आज का हमारा चैप्टर है सांझा यानी साझेदारी या पार्टनरशिप। इस चैप्टर को करने से पहले आप हमारा अनुपात और समान अनुपात का वीडियो जो हमने डाला है वो देख लें, क्योंकि उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊंगा। एक ही मेथड है इनका और समान अनुपात और अनुपात का। तो ये जो चैप्टर है ये सारा अनुपात और समान अनुपात पे ही बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने इन्वेस्ट किया है कितना, 3000 रुपये। बी ने इन्वेस्ट किया है 4000 रुपये। दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया है जिसमें ए ने कितना किया है, 3000, और बी ने किया है 4000। कितने टाइम के लिए किया है, 1 साल के लिए। 1 साल बाद उनको प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 3500 रुपये। 3500 रुपये जो लाभ हुआ है उसमें बी का जो हिस्सा है वो कितना है, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों ए ने जो इन्वेस्ट किया है उसको ए के नीचे लिख लेंगे, बी ने जो इन्वेस्ट किया है उसको बी के नीचे लिख लेंगे। उसके बाद इनका दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3-0 और ये 3-0 कट जाएंगी, क्योंकि मैंने बताया है आपको अनुपात वाले वीडियो में कि अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3000 बटे क्या करेंगे, 4000। तो इसमें क्या होगा, 3-0 से ये 3-0 कट जाएगी। तो अनुपात कितना गया हमारा, 3:4। अब हमको पता है कि अनुपातों का जो जोड़ होता है, अनुपातों का जोड़ हमारे पास आ गया 7। अनुपातों का जो जोड़ है वो उसमें क्या है, ए और बी का जो अनुपात है वो दोनों शामिल हुए हैं, तो लाभ में भी दोनों का हिस्सा है। तो क्या करेंगे, 3500 रुपये जो लाभ है उसको क्या करेंगे, इस जो अनुपात का जोड़ जो हमारे पास आया 7 से, इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 1:1 का मान आ जाएगा, 1:1 का मान आ गया हमारे पास 500। 1:1 का मान आ गया हमारे पास 500। तो हमें निकालना है बी का हिस्सा, तो बी के हिस्से में कितने अनुपात हैं, 4। तो क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो कितना आ गया हमारे पास, 5×20 यानी कितना आ गया, 2000। यानी जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 2000 रुपये जो है वो किसके खाते में गए हैं, बी के खाते में। और जो ए को है उस ए को कितना प्रॉफिट हुआ है, ए का अनुपात है 3, तो 3×500 से करेंगे तो कितना आ गया, 15 यानी 1500। तो ए के हिस्से में कितने गए हैं, 1500। अगर दोनों को टोटल करें तो कितना आ गया, 1500 और 2000, 3500 रुपये बन गए ना जो टोटल लाभ था। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने 2000 में व्यापार आरंभ किया। ए ने जो है एक व्यापार आरंभ किया है जिसमें उसने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। 7 महीने के बाद क्या हुआ, 5000 रुपये की पूंजी लगाकर बी भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। 7 महीने बाद क्या आया, जो बी था उसने 5000 रुपये लगाए और पार्टनरशिप शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, वर्ष के अंत में कुल जो लाभ है वो कितना हुआ है, 9800। वर्ष के जो अंत में लाभ हुआ है वो कितना है, 9800। तो हमें निकालना है कि बी को कितना धन मिला, यानी बी ने जो लाभ है उसमें से कितना धन प्राप्त किया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वैसे ही ए के नीचे क्या लिख लेंगे, जो अमाउंट इसने लगाई थी, लगाई कितने महीने के लिए थी। अब क्या है, हमें महीने दिए हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, साल के महीने बना लेंगे। यानी ए ने जो है 2000 रुपये 12 महीने यानी पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, तो 12 महीने हो गए। अब क्या है, बी ने 7 महीने बाद इन्वेस्ट किया है, यानी 7 महीने तो चले गए, उसके बाद कितने महीने रहे, 5 महीने।
यानी 5,000 रुपये उसने 5 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किए, तो क्या करेंगे, 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इधर 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो, 12 2 24 और 5 5 25, तो अनुपात कितना आ गया 24 और 25। जब अनुपातों का जोड़ करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 49, यानी अनुपातों का जोड़ हमारे पास आ गया 49। अब ये जो अनुपातों का जोड़ है इसमें क्या है, ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, तो जो लाभ है उसमें भी ए का और बी का हिस्सा है, तो अनुपात को क्या करेंगे अब 9800 से क्या डिवाइड करेंगे, 9800 को डिवाइड करेंगे 49 से, और यहाँ से हमें मिल जाएगा एक अनुपात का मान, एक अनुपात का मान कितना आ गया यहाँ से 200 रुपये, 200 रुपये है जो वो एक अनुपात का मान है। अब हमें निकालना है बी का हिस्सा, तो बी का जो अनुपात है वो कितना है 25, बी का अनुपात है 25, तो क्या करेंगे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 5,000, यानी बी को जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है 5,000। अगर ए का निकालना हो तो क्या करेंगे 24 × 200, कितना आ गया 24 × 2 = 4800, यानी जो ए को जो लाभ हुआ है वो हुआ है 4800 और जो बी को लाभ हुआ है वो हुआ है 5,000। अभी दोस्तों आप ये मत सोचना कि ए ने तो 12 महीने के लिए किए थे फिर भी जो प्रॉफिट हुआ है वो कम हुआ है, क्योंकि दोस्तों जो ए ने इन्वेस्ट किया था वो किया था 2,000 और बी ने जो किया था वो किया था 5,000, यानी राशि उसने ज़्यादा इन्वेस्ट की थी तो उसका लाभ भी ज़्यादा हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है, पी तथा क्यू ने सांझे में 5:6 के अनुपात में जो पूंजी लगाई, कोई व्यापार आरंभ करते हैं, 8 महीने के बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है, यदि वर्ष के अंत में लाभ जो हुआ है वो क्या हुआ है 5:9 के अनुपात में हुआ है, तो क्यू ने अपनी पूंजी कितने के लिए निवेश की, यानी कितने वर्ष, यहाँ पे वर्ष आना था, यानी कितने वर्ष के लिए उसने अपनी पूंजी निवेश की है, ये हमें निकालना है। तो ए ने क्या पूंजी लगाई थी, अनुपात जो दिया हुआ है हमें, ए का अनुपात है 5, बी का अनुपात क्या है 6, ए का अनुपात है 5 और बी का अनुपात है 6। अब ए ने जो है उसने क्या कहा है, कोई व्यापार आरंभ किया 8 वर्ष के बाद, यानी 8 वर्ष में, 8 वर्ष जो है, यानी 8 वर्ष की बाद जो है पी ने अपनी पूंजी वापस ले ली, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने जो है वो अपनी पूंजी सिर्फ 8 महीनों के लिए ही इन्वेस्ट की है। अब निकालना है हमें कि बी ने अपनी जो पूंजी है वो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट की है। वैसे तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं क्योंकि एक वर्ष के अंदर जो हुआ है तो सारा, तो बी ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट की है, लेकिन हम इसको मेथड से निकालेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में जो है वो समा इक्वल नहीं होता, इसीलिए। अब क्या है, 5 × 8/b, क्या है b का हमें समय निकालना है, तो ये समा, इसमें लाभ क्या है हमारे पास 5/9, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12, यानी t फॉर टाइम, तो टाइम हमारे पास क्या आ गया 12।
तो मतलब क्या हुआ, जो क्यू था उसने अपनी जो पूंजी थी वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट की थी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, यानी पी ने जो है इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपये। उसके बाद क्या हुआ, 12 महीने बाद यानी एक साल के बाद क्या हुआ, 60,000 की राशि के साथ क्यों व्यापार में शामिल हो गया, यानी एक साल के बाद क्यों ने जो 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए और व्यापार में साझेदारी ले ली। हमें निकालना है 3 वर्ष के बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमश किस अनुपात में होगा, यानी हमें निकालना है कि इनका जो बंटवारा होगा वो किस अनुपात में होगा, यानी हमें इनका अनुपात निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 महीने, एक साल में कितने होते हैं 12 महीने, तो 3 साल में कितने हुए 36 महीने, यानी जो पी है उसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, 36 महीने के लिए। तो क्या करेंगे, 50,000 गुने में 36, और क्यू है उसने क्या किया है, 12 महीने बाद उसने इन्वेस्ट किया है, यानी 12 महीने नहीं किया, तो टोटल था 36, 36 में से 12 घटा देंगे तो कितना बच गया हमारे पास, 24 साल, यानी उसने कितने साल के, ओ सॉरी, कितने महीने के लिए किया है, 24 महीने के लिए किया है। तो अब हम इनका अनुपात निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 4-0 से ये 4-0 कट जाएगी, इधर ये कट जाएगा, एक चीकी चीकी चीको मिको 36 6 चौके 24, यानी क्या आ गया अनुपात 5, और इधर क्या आ गया 4, तो अनुपात क्या आ गया 5:4, यानी जो भी लाभ होगा वो किस अनुपात में बटेगा, 5:4 के अनुपात में वो लाभ बट जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों जो बेसिक है वे क्वेश्चन है। इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा अनुपात, सॉरी साझेदारी की, इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में टफ से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है नई नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पी 5,000 निवेश करके एक बुटीक चालू किया, 6 महीने बाद 8,000 का निवेश करके क्यों उसकी साझेदारी ले ली, साझेदारी मतलब उसने क्यों ने अपनी साझेदारी ले ली, 1 वर्ष के अंत में 3600 रुपये के लाभ में क्यों का कितना भाग होगा, ये हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है इस तरीके क्वेश्चन, चलो एक बार फिर से देखते हैं। क्या किया है, पी ने इन्वेस्ट किया है 5,000 कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, क्योंकि 1 वर्ष है ना, तो 1 वर्ष में कितने महीने हो गए, 12 वर्ष। उसके बाद क्या है, क्यूद ने क्या किया है, 6 महीने बाद आया है क्यू, यानी उसने एक साल में 6 महीने तो इन्वेस्ट नहीं किए, यानी 6 महीने बाद आया तो उसने कितने महीने किए, 6 महीने, 6 महीने ही इन्वेस्ट किए और 6 महीने ही नहीं किए, यानी टोटल कितना हो गया, 6 और 6 12 होता है ना, तो ये 6 महीने नहीं किए, तो ये 6 महीने जो उसने इन्वेस्ट कर दिए। तो क्या हुआ, इनका अनुपात निकाला है, अनुपात निकाले तो क्या होगा, 3:0 से 3:0, 1 छी की 2 छी की 12, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 10, ये फिर से कट गया एक बार 2, यहाँ पे आ गया 4, यानी यहाँ पे कितना बचा 5 और यहाँ पे कितना बचा है 4, तो क्या आ गया हमारे पास 5:4, यानी पी का जो अनुपात है वो कितना आ गया 5 और क्यू का अनुपात आ गया 4। तो दोस्तों हमें पता है कि अनुपातों का जो जोड़ है वो किसके बराबर होता है, जो लाभ हुआ है, तो लाभ कितना हुआ है 3600, 3600, तो एक अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3600 बटे 9, दोनों अनुपातों का जोड़ करेंगे तो 9 हो जाएगा हमारे पास, 9 चौके 36, यानी एक अनुपात का मान आ गया हमारे पास 400, 400 एक अनुपात का मान आया है, तो हमें पूछा उसने क्यों का कितना लाभ भाग होगा,
तो क्यू का कितना है? 4 अनुपात है, तो 1 अनुपात का मान आया है 400, तो इसको 4 अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 1 अनुपात का मान 400 है, तो 4 अनुपातों का कितना हो जाएगा, 1600, यानी उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 1600 रुपये क्यू का। इस तरीके से आप पी का भी निकाल सकते हो, 4 को क्या करोगे अब, पी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी पी का हिस्सा कितना है, 5 अनुपात है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 5 × 20 यानी 2000। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 मित्र पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमश किस अनुपात में, किस तरह से उन्होंने खर्च किया है। पहले किया है पी ने 2000, क्यू ने क्या किया है 4000, और आर ने क्या किया है 7000 का निवेश किया है। 2 वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ है उन्हें वो कितना हुआ है, 7800 रुपये। तो हमें निकालना है क्यू का जो हिस्सा है वो क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, पी का जो हिस्सा है वो पी के नीचे लिख लेंगे, क्यू का जो हिस्सा है वो क्यू के नीचे, आर का जो हिस्सा है वो आर के नीचे, तीनों का अनुपात निकाल देंगे। तो 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, और 3 जीरो इसमें है, ये कट जाएंगी। अनुपात कितना आ गया, 2:4:7। तो अनुपातों का जोड़ कितना आ गया हमारे पास, 7 और 4 11 और 2 13, यानी अनुपातों का जोड़ हमारे पास आ गया 13। और जो टोटल इनकम हुई है वो कितनी है, 7800। तो किसके बराबर, 7800 किसके बराबर है, सभी अनुपातों के जोड़ के। तो 1 अनुपात का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 7800 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600। ये जो 600 आया है ये क्या आया है, 1 अनुपात का मान हमारे पास कितना आ गया, 600। अभी हमें निकालना है क्यू का भाग, तो क्यू का भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू का जो अनुपात है कितना है, 4 है, 4 है, तो क्या करेंगे, 1 अनुपात का मान है 600, तो 4 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 6 × 24 यानी 2400 रुपये जो है वो प्रॉफिट हुआ है, किसको हुआ है, क्यू को। इसी तरीके से आप आर और पी का भी निकाल सकते हैं, और इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तीनों का जो प्रॉफिट आएगा उसको जोड़ देंगे तो वो कितना बनेगा, 7800। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बी तथा सी एक व्यापार में क्रमश 2400 रुपये, 3600 रुपये और 7200 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में सी का भाग, सी को कितने रुपए मिलते हैं, 4800, तो कुल अर्जित लाभ कितना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, ए के बटे में क्या, ए के नीचे क्या लिख लेंगे, जो इन्वेस्ट किया है ए ने, बी के नीचे जो बी ने इन्वेस्ट किया है, सी के नीचे जो सी ने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, इनका हमें निकालना है अनुपात, तो 2 0 2 0 और 2 0 ये कट जाएंगी। तो फिर कितने पे गया, 12 पे, 12 2 24, 12 3 36 और 12 6 72, यानी अनुपात कितना आ गया, ए का अनुपात आ गया 2, बी का आ गया 3 और सी का आ गया हमारे पास 6। अब हमें दिया हुआ है सी का जो लाभ है वो हमें दिया हुआ है, सी का जो लाभ है वो कितना है, 4800, और जो सी का जो अनुपात आया है वो कितना है, 6, यानी 1 अनुपात का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 1 अनुपात का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4800 बटे 6, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ गया, काटेंगे तो कितना आ गया, 6 8 48, यानी 800 रुपये, 1 अनुपात का मान आ गया हमारे पास 800 रुपये। तो हमें तो निकालना है सभी का, 1 का अनुपात कितना आ गया हमारे पास 800 रुपये, तो सभी अनुपातों का जोड़ करेंगे तो कितना आ गया, 9 और 2 11, यानी 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
800 से, तो कितना आ गया 8800, यानी जो तीनों का जो टोटल लाभ हुआ था वो कितना हुआ था 8800। तो उसमें से जो सी का जो हिस्सा था वो कितना था 4800 रुपये था। इस तरीके से आप बी और ए का भी हिस्सा निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ने 4000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 6 महीने बाद बी 6000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 महीने बाद सी जो है उसने 8000 लगाकर साझेदार हो गया, यानी 2 वर्ष के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो अभी हमें देखना है 2 वर्ष यानी 12 महीने, ओ सॉरी 24 महीने, 2 वर्ष में क्या हो गए 24 महीने हो गए। तो ए ने जो इन्वेस्ट किया है वो कितना किया है 24 महीने के लिए ए ने इन्वेस्ट किया है। बी ने क्या किया है, बी 6 महीने बाद जो है व्यापार में इंटरेस्ट लिया है इसने, तो क्या हुआ है बी का जो है वो 6 महीने बाद यानी 24 में से 6 महीने निकाल देंगे तो कितना रह गया 18 महीने, यानी बी ने जो इन्वेस्ट किया है वो कितने महीने के लिए किया है 18 महीने के लिए। अब बी के इन्वेस्ट करने के बाद 3 महीने बाद यानी 6 महीने ये और 3 महीने ये, यानी 9 महीने बाद, टोटल 9 महीने बाद, 9 महीने बाद क्या हुआ है सी ने इन्वेस्ट किया है, तो 9 महीने इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 15। यानी क्या हुआ कि जो सी ने इन्वेस्ट किया है वो कितने महीने के लिए किया है 15 महीने के लिए। तो यहाँ से इनका अनुपात हम निकाल लेंगे तो अनुपात क्या आ गया हमारे पास 3-0 से 3-0, फिर क्या बच गया 4 और 24 बच गया, यहाँ पे 6 और 18, यहाँ पे 8 और 15, इनको भी हम काट देंगे, कितने पे गया ये 2 पे काट देते हैं इसको, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 इसके बाद फिर 2 पे काट दो इनको, इनको 3 पे काट दो, कितना आ गया 2 3 पे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 3 24, यहाँ पे 6 3 18, 5 3 15, इसके बाद सारे को 2 से काटेंगे तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना बच गया 8, यहाँ पे कितना बच गया 3 ये और 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे कितना बचा है 2 ये और 5 ये मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10, यानी इनका अनुपात आ गया हमारे पास इस तरीके से अनुपात आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है बाद में लाभ का अनुपात क्या होगा, तो यानी अनुपात हमारे पास यही आ गया 8:9:10, इस अनुपात में इनको जो लाभ होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सिर्फ क्वेश्चन के टाइप्स हैं, इस तरह के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पीड बनेगी जिसके कारण ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में क्या किया है 50,000 का निवेश किया है, यदि ए ने बी से 4000 अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5000 अधिक लगाए हो तो वर्ष के अंत में 35,000 कुल लाभ है तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो उसी तरीके से आपको करना है, अभी हमें दिया हुआ है कि सबसे आखिर में जो है वो हमें उठाना है, तो सी का हमने मान लिया क्या है सी ने इन्वेस्ट किया है, ए इन्वेस्ट किया है सी ने, तो बी ने क्या इन्वेस्ट किया है, बी ने क्या किया है, बी ने
बी ने सी से 5000 अधिक इन्वेस्ट किया है, यानी ए सी ने किया था ए, तो बी का कितना हो गया ए प्लस 5000, यानी 5000 अधिक इन्वेस्ट किया है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि ए ने बी से 4000 अधिक इन्वेस्ट किया हो, यानी बी का इन्वेस्ट जो कितना है ये है, तो इससे भी 4000 अधिक क्या आ गया, ए का इन्वेस्ट आ गया। और इन सब का जब हम जोड़ करते हैं तो क्या आ गया, ए और ए, दो ए और ए के तीन ए, तीन ए 5000, 4000 और 5000, ये इन जब इनका जोड़ करते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, तीनों का जो कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है वो कितना है, 50000। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे तो इनका सब जोड़ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14000। 14000 इसमें से घटा देंगे 50000 में से, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 36000। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12000, यानी ए जो आ गया हमारे पास 12000। ए की वैल्यू अब इनमें पुट कर देंगे ए की जगह पे, तो हम इनका ए बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट निकालेंगे इनकी, तो ए का क्या आ गया, ए का आ गया हमारे पास 12000, तो यहाँ पे 12000 पुट करेंगे तो क्या आ गया, 12000 और 5000, 12 और 5 17, 17 और 4 21000, यानी ए का जो हिस्सा है वो कितना आ गया 21000, और बी का कितना आ गया 12 और 5 17, यानी बी का हिस्सा आ गया 17 और सी का कितना आ गया, ए की जगह पे 12 पुट करेंगे तो क्या आ गया 12, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ए ने जो हिस्सा किया था इन्वेस्ट वो था 21000, बी ने किया था वो था 17000 और जो सी ने किया था वो था 12000। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कराया है, चलो फिर से करते हैं। ए ने 40000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद बी भी 50000 लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया या साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात हमें दिया हुआ है 6:5 के अनुपात में बांट दिया गया है, तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद जो है बी ने अपना हिस्सा इन्वेस्ट किया था, यानी हमें निकालना है कि बी ने कितने समय अपना इन्वेस्ट किया था। तो क्या है, एक साल पूरा किया है, तो यानी ए का तो एक साल पूरा हो गया, यानी क्या करेंगे, 40000, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो क्या करेंगे 40 गुना 12, इधर बी ने क्या इन्वेस्ट किया है 50000, टाइम हमें दिया नहीं हुआ तो हम क्या मान लेंगे टी, तो गुणा में क्या रखेंगे टी, दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है बटे में, तो 40000 गुना 12 बटे में क्या रखेंगे 50000 गुना टी, और जो इनका लाभ का अनुपात वो हमारे पास क्या है 6:5, उसको क्या रखेंगे इक्वल में रख लेंगे। यहाँ से हम करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टी की हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 माह, 8 माह मतलब 8 महीने। तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी ने इन्वेस्ट किया था, तो बी ने किया था 8 महीने बाद, यानी बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने महीने के लिए हुआ, 12 में से 8 हम निकाल देंगे, तो कितने महीने इन्वेस्ट किया है बी ने, 4 महीने। अगर वो पूछ ले कि बी ने कितने महीने इन्वेस्ट किया है तो कितना आ गया 4 महीने, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कितने महीने बाद इन्वेस्ट किया था, तो 8 महीने बाद उसने इन्वेस्ट किया था। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस पे कमेंट करना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।